नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज रायसेन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अनिल कुमार सोहाने अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन ने किया। इस लोक अदालत में जिला एवं तहसील न्यायालयों हेतु नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु 23 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें जिला मुख्यालय रायसेन में 8, तहसील बेगमगंज में 3, बरेली में 4, गोहरगंज में 5 एवं सिलवानी गैराजगंज उदयपुर में 1-1 खंडपीठ गठित की गई है। उक्त लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य कुल 3,220 एवं लगभग 10,000 प्रकरण आपसी रजामंदी के आधार पर निराकरण कराए जाने हेतु रफ किए गए हैं। इस अवसर पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय सचिन जैन, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय महेश कुमार माली, राजेंद्र सिंह शाक्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय रायसेन, श्री अतुल यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी रायसेन, श्रीमती सौम्या साहू अस्थाना महोदया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री दीपिका यादव महोदया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री रेणुका बारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायसेन एवं विधिक सेवा सहायता के सचिव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय राजीव राव गौतम प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव सहित अन्य अधिवक्तागण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं जिला एवं सत्र न्यायालय में। आज यहां नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन किया माननीय जिला न्यायाधीश ने। इसके अलावा और कई माननीय न्यायाधीश एवं अधिवक्ता यहां मौजूद थे। मेरे पीछे देखते हैं कई स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई बैंकों के स्टॉल हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड का, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सारे बैंकों के यहाँ लगे हुए हैं। वहीं आगे अपन जाएंगे तो वहाँ पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एवं नगर पालिका के लगे हुए हैं स्टॉल, और यहाँ पर अब लोगों की धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है। और महोदय अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण रायसेन के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 14/9/2024 को किया जा रहा है। इस लोक अदालत में जिला एवं तहसील न्यायालय हेतु नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु 23 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें जिला मुख्यालय रायसेन में 8, तहसील बेगमगंज में 3, बरेली में 4, गौहरगंज में 5 एवं सिलवानी गैरतगंज उदयपुरा व सिलवानी में 1-1 खंडपीठ गठित की गई है। लोक अदालत के माध्यम से दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति क्लेम केसेस, 138 चेक बाउंस केसेस, विद्युत, श्रम, भूअर्जन, नगर पालिका निगम, लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य कुल 3220 प्रकरण एवं लगभग 10,000 लिटिगेशन प्रकरण आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण कराए जाने हेतु संबंधित न्यायालय से रेफर किए गए हैं। साथ ही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने वाली विद्युत एवं नगर पालिका से संबंधित प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में छूट भी प्रदान की जा रही है। इस प्रेस नोट के माध्यम से आमजन से अपील की जाती है कि वे अपने प्रकरणों का निराकरण आज दिनांक 14/9/2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में कराकर इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 14 सितंबर 2024 को इस वर्ष की ये तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के कंपाउंडेबल केसेस एवं मैट्रिमोनियल केसेस, विद्युत विभाग के केसेस, पराक्रम लिखित अधिनियम के केसेस और अन्य ऐसे केसेस जिनमें राजीनामा किया जा सकता है उनको रखा गया है।